सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने हमीरपुर बस अड्डे पर कुछ तो सोचो अब तो जानो, हम नहीं हैं खुशहाल, नशे की आदत गर न छोड़ी हो जाएंगे कंगाल, समूह गान प्रस्तुत कर लोगों को नशे की बुराई को समाज से उखाड़ फेंकने का संदेश दिया। इसके साथ ही लघु नाटिका के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। नशा निवारण अभियान का श्री गणेश करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से युवाओं को नशे से दूर रहने की संकल्प भी दिलाया गया। उपायुक्त डॉ ऋचा वर्मा ने बताया कि हमीरपुर जिला में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान आरंभ किया गया है, जिसमें स्कूलों तथा महाविद्यालयों में विशेष तौर पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इस अभियान में शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग अपने अपने स्तर पर नशा निवारण के लिए अभियान आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशा निवारण के लिए आम जनमानस का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने स्वैच्छिक संस्थानों से भी आग्रह करते हुए कहा कि हमीरपुर जिला को पूर्णतया नशा मुक्त बनाने के लिए अपना अपना सहयोग सुनिश्चित करें, ताकि समाज और राष्ट्र का सही दिशा में निर्माण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भी नशा निवारण के लिए कारगर कदम उठा रही है तथा इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जा रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी नशे से दूर रह सके। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों निशांत गिल, मुनीश गिल, सुनील, श्वेता धीरज, दिनेश, पुनीत शर्मा, सुनील राणा तथा ममता ने नशा निवारण पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसका लोगों ने खूब लुत्फ उठाया। इस लघु नाटक के माध्यम से लोगों को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। प्रोग्राम जो है वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से पेश किया जा रहा है। इसमें जो कलाकार हैं वो लोगों को ये संदेश दे रहे हैं अपने लघु नाटक और गीत संगीत के माध्यम से कि जो नशा है उसके दुष्प्रभाव कितने हैं, आज की जो युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी है, वो किस तरीके से इस नशे की लत में धंसती जा रही है और अपनी जिंदगी को खत्म कर रही है। हमारे अभियान का मकसद केवल एक है कि उन युवा वर्ग को हम ऐसा संदेश दें ताकि वो अपनी जिंदगी बचाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं, ताकि हमारा प्रदेश, हमारा देश उन्नति कर सके। अभी इस अभियान का ये पहला कार्यक्रम है जो बस स्टैंड पे किया जा रहा है।